हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो गाइस वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे सामने है ग्रैंड बुल जो कि बरसाता है प्यार। सो गाइस बहुत सारे लोग हैं जो कि प्यार के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। और गाइस ये आप देखेंगे काफ़ी लकी शॉट मारने वाला हूँ मैं, काफ़ी लकी अटैक है। सामने वाले बंदे को लग रहा है कि मैं फ्लेम थ्रो करूँगा और उसने शील्ड यूज़ नहीं की और ये उसकी सबसे बड़ी गलती हुई है। सो गाइस आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखनी है प्लस लाइक करना है और प्लस जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। सो ऐसे करने से क्या होगा, होगा तो ये कि मतलब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको डेली ऐसी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी। तो भाई लोग बात ऐसी है कि अब ये ग्रेट लीग स्टार्ट हो चुकी है और 5 सेट खेलने होते हैं दिन भर में, तो सारे प्लेयर एक ही लेवल पे हैं आजकल। तो अगर कोई भी बढ़िया खेल लेता है, कोई 5 के 5 जीत जाता है, तो अगली बार जो मैच होंगे उसमें आपकी रैंक ज़्यादा बढ़ रही है। आप ऐसे प्लेयरों से टैकल करने जा रहे हैं जो कि शायद वो रैंक 10 के प्लेयर थे, ऐसा कुछ होगा। तो गाइस मेरे साथ भी ये हुआ कल, जब ये मैच कल जब आया था तो मैं कल स्टार्टिंग में 2 मैच जो हैं वो पूरे जीता मैं, मतलब एक तो 5 के 5 जीता और एक में 4 मैच जीता। उसके बाद भाई मेरी रैंक बढ़ गई ज़्यादा तेज़ी से, तो मेरी मैच उन लोगों से हो रही थी यार, वो ऐसे ऐसे पोकेमोन लेके आ रहे थे कि मैं उनसे लड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं अगर एक पोकेमोन को हराता हूँ तो मेरे उसमें 2 पोकेमोन लग रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, मुझे अपने पोकेमोन चेंज करने पड़े, स्टारडस्ट लगानी पड़ी, पावर अप करने पड़े। मैंने बहुत सारे पोकेमोन को पावर अप किया, बहुत सारे पोकेमोन के अटैक्स खोले, तो ऐसे करने में बहुत कुछ हो गया। तो उसके बाद मेरे को फिर ये टीम बनाई जो मैं अभी खेल रहा हूँ, ये टीम मेरी बनी बेस्ट टीम। तो गाइस जो लोग के साथ ये कंडीशन हो रही है वो मेरी इस टीम को कॉपी कर ले और फिर आप कमाल देखिए भाई। तो सामने भाई प्यार बरसा रहा है बंदा, तो प्यार से क्या सबको डर लगता है। तो मेरी जो पुरानी टीम थी उसकी सिर्फ एक ही कमज़ोरी थी, प्यार। अगर कोई भी ऐसा पोकेमोन आ गया जो प्यार बरसाने लग गया, चाम फेंकने लग गया, तो भैया वहाँ पर मैं हारता था। तो मैंने आजूमरिन लिया जिसको मतलब फेरी टाइप का कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। अपना RS9 बंदा भैया दिलदार आदमी है, स्टील का दिल है उसका, तो कोई दिक्कत नहीं होती। सो गाइस ये वीडियो मेरी क्या हो गई, यहाँ पर हैंग हो गई, लैग हो गई, मतलब क्योंकि चार्जिंग भी लगी थी, रिकॉर्डिंग भी चल रही थी और गेम भी चल रहा था, तो ये यहाँ पर लैग हो गया। तो इस वीडियो से पहले मैं 2 मैच खेल चुका था, ये 3रा मैच था, तो फिर मैंने को वो वीडियो वहाँ बंद करनी पड़ी, दूसरी वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी। सो गाइस मेरे पास चाम अटैक के अगेंस्ट में कोई अटैक था नहीं, तो चाम को हराने के लिए मेरे को मतलब फेरी टाइप ही चाहिए था। तो फेरी टाइप या स्टील टाइप चाहिए होता है, मतलब स्टील टाइप चाहिए होता है, स्टील टाइप थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। तो स्कारमोरी मैं ले सकता था पर स्कारमोरी मैंने लिया नहीं, मैंने क्या किया आजूमरी ले लिया, अर्सनाइन ले लिया और एक और है जो कि आपको दिखाएंगे अभी हम थोड़ी देर में। सो गाइस ये है चौथा मैच है। सामने हमारे आइस टाइप पोकेमोन है तो उसने उसको स्विच कर लिया फटाफट। अब अल्टारिया है तो अल्टारिया के लिए भी मेरे पास कोई पोकेमोन नहीं था, तो फिर मैंने आजूमरिल लेने का सिर्फ यही रीज़न था कि फेरी टाइप है प्लस आइस टाइप, मतलब वाटर टाइप क्वालिटी है, तो ये आइस अटैक भी करता है और आइस क्या है अल्टारिया की वीकनेस। तो गाइस ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है, मतलब वो बढ़िया प्लेयर है मेरे ख्याल से और उसने काफ़ी अच्छे से अपने पोकेमोन को अरेंज किया है। तो उसको पता है कि उसके पास 2 शील्ड है, वो दोनों शील्ड यूज़ करेगा और उसको ये भी पता है कि ये भी सामने वाला भी शील्ड यूज़ करेगा, क्योंकि जो ये डेजलिंग ग्लिम कर रहा है ये थोड़ा अटैक इफेक्टिव रहता है। तो भाई इसने इतना बढ़िया दिमाग लगाया ना इस गेम में, आप देखते रहिए। एक टाइम तो मुझे लगा कि भाई मैं जीत के भी हारने वाला हूँ। तो इसने भाई दोनों शील्ड यूज़ कर लिए, अब ये क्या करेगा, इसको मेरे आइस बीम की पता कि मैं आइस बीम कब करने वाला हूँ। इसका अटैक उससे पहले आया, इसने अटैक किया और फिर देखिए क्या करता है ये। तो गाइस सच में मुझे लग रहा था कि ये बंदा मुझे हरा देगा, क्योंकि अपने पोकेमोन को इतना घुमा रहा है ना। अब इसने फटाक से घुमा दिया, पर गलती यहाँ पर ये हो गई इससे कि मैं भी स्विच करने वाला था पर मेरे स्विच हुआ नहीं और मेरे से क्या हो गया आइस बीम अटैक हो गया।
और इनका शील्ड नहीं है, तो यहाँ पर इसका प्लान थोड़ा सा फ्लॉप हो गया। अब आजू मरिल मुझे बचाना तो है ही, अब मैंने आजू मरिल हटाया और वो अल्टारिया फिर ले आया। तो गाइस वाइल्ड चार्ज भी अल्टारिया पे काफ़ी इफेक्टिव होता है, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी क्योंकि मैंने अल्टारिया की वीकनेस पढ़ी नहीं है कभी नेट पे। सो गाइस जिस जिसको पता है अल्टारिया की वीकनेस क्या है वो कमेंट में प्लीज़ लिखिए, और आपके पास जिस जिसके पास आजू मरिल शाइनी में है वो भी कमेंट में लिखिए भाई, क्योंकि आजू मरिल भाई ग्रेट लीग की जान बन चुका है। तो गाइस अब आते हैं हम लोग, सामने हमारे आ चुका है आइस टाइप पोकेमोन, और आजू मरिल क्या चीज़ है वो मुझे इस गेम में चलेगा पता। आप देखते रहिए कि आजू मरिल की जो भी हेल्थ है वो क्या होती है। सो गाइस आजू मरिल की हेल्थ अब इतनी कम है कि वो कोई अटैक झेल नहीं सकता, पर गाइस इस बंदे ने जो काम किया ना भाई इस मैच में काबिले तारीफ है। देखते रहिए सामने वाले पोकेमोन की हेल्थ कितनी ज़्यादा है और इसकी कितनी कम है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि आजू मरिल इसको मार सकता है। सो गाइस मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों ने ये पोकेमोन यूज़ नहीं किया है, क्योंकि देखने वालों में ऐसे भी बहुत प्लेयर हैं जो कि मतलब मेरे से बढ़िया खेलते हैं और मुझसे ज़्यादा भी नॉलेज है, मैक्सिमम लोगों को मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी। सो गाइस जिन लोगों को नहीं पता आजू मरिल के बारे में वो आजू मरिल को आज ही मतलब सबके पास तो हो गई आजू मरिल, जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, होता है कुछ गलतियाँ इंसान से ज़िंदगी में हो जाती है, क्या कर सकते हैं। सो गाइस जिनके पास आजू मरिल है वो उसे अपने ग्रेट लीग में एक जगह दे दें, नहीं भी दें तो भी दे दें। आजू मरिल सिर्फ इलेक्ट्रिकल टाइप और ग्रास टाइप के सामने वीक है, और बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए स्विच कैसे किया जाता है पोकेमोन, पोकेमोन कब स्विच करना है ये आपको खुद करना पड़ेगा। सो गाइस इस गेम में हमें फिर से लीड मिल चुकी है, सामने ग्रास टाइप पोकेमोन है जो कि चुटकियों में स्विच होगा और आएगा आजू मरिल। सो गाइस यहाँ पर हमारा वाइल्ड चार्ज नहीं था, नहीं तो आज हम दिखा देते। सो गाइस यहाँ पर सिर्फ एक रिस्क है आइस बीम का, इसलिए मैं शील्ड यूज़ कर रहा हूँ, और इतनी जल्दी आइस बीम ही आता है मेरे ख्याल से। तो आजू मरिल ग्रास टाइप पोकेमोन को धूल चढ़ा सकता है अगर उसके पास शील्ड ना हो, क्योंकि भाई ये बात ऐसी है कि आइस बीम है, अब क्या जो घास होती है ना बर्फ़ के टाइप सूख जाती है, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। सो गाइस हमारे सामने आ चुके हैं स्टील टाइप पोकेमोन और फ्लाइंग टाइप भी है, तो इन पे हमारे अटैक्स काम नहीं करेंगे, और मैंने ग्रास टाइप अटैक किया है। सो अब देखिए बात ऐसी है कि अब दोनों पोकेमोन सामने वाले के ऐसे हैं जो कि मेरे आर्स नाइन से ही हारेंगे, पर आर्स नाइन की एक वीकनेस है फ्लाइंग टाइप, मतलब जो फ्लाइंग अटैक होगा स्काई अटैक होगा वो आर्स नाइन को बुझा सकता है, क्योंकि हवा जो होती है वो आग को बुझा देती है। तो मैं यहाँ पर आर्स नाइन की जगह आजू मरिल लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाला बंदा स्विच कर सकता है, और उसने किया फ्लाइंग अटैक स्काई अटैक सॉरी, तो आजू मरिल पर स्काई अटैक का कुछ खास असर नहीं है। तो भाई मुझे पता था कि वो ग्रास टाइप पोकेमोन लाएगा आजू मरिल को देखते, तो मैंने ये वाला थोड़ा सा दिमाग लगाया था, और यहाँ पर हम उस पर फ्लेम थ्रो करने वाले हैं जो कि मतलब जल्दीबाजी है मेरी, मैं चाहता था कोई अटैक ना करता उस पर और बल्कि एक अटैक झेल लेता, क्योंकि सामने वाले ने शील्ड यूज़ कर लिए। और सो गाइस अब हमारा सामने आने वाला है स्कारमोरी। स्कारमोरी की सबसे बड़ी वीकनेस है फायर, तो भैया फायर जब पड़ेगी उस पर तो कैसे मतलब घटेगा, माइनस होगा, डिवाइड हो रहा है वो। तो स्काई अटैक आर्स नाइन की वीकनेस है सबको पता है, तो यहाँ पर हमारा आर्स नाइन शहीद होगा, पर आगे का काम हमारा आजू मरिल बहुत ही अच्छे से करेगा, क्योंकि आजू मरिल के ऊपर इसका अटैक का कोई भी असर नहीं है। सो गाइस हम लोग बातों बातों में पांचों मैच जीत चुके हैं, जिसमें से मैंने आपको तीन मैच की फ़ाइट दिखाई है, दो की फ़ाइट नहीं दिखाई है, और वो दो मैच भी मैंने बहुत अच्छे खेले थे, मैं आपको पूरा यकीन दिला रहा हूँ, आपके भाई ने बहुत बढ़िया खेला है उस मैच में भी। सो गाइस अब हम लोग एक पोकेमोन पकड़ने जा रहे हैं टैपिक। टैपिक के मेरे पास सारे रूप हैं, और कभी मैंने ट्राई नहीं किया टैपिक कैसा खेलता है, पर अच्छा खेलता होगा, फायर टाइप पोकेमोन है, फाइटिंग टाइप भी है शायद। सो गाइस जो लोग भी नए हैं, जिन लोगों ने वीडियो पूरी देखी है, जिन लोगों ने वीडियो पूरी नहीं देखी है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई पूरी वीडियो देखा करो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा,
और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये कि आपको कभी ना कभी कोई ना कोई काम की बात ज़रूर पता चलेगी ही। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट में बताइए भाई वीडियो कैसी लगी, क्या खराबी है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, सब बताइए। और क्या क्या आपके पास शाइनी पोकेमॉन है वो भी बताइए, क्योंकि मेरे पास शाइनी पोकेमॉन कम है। हो, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।